हे गाइस, माय नेम इज अगाथा और आज मैं आ गई हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा पहले से ये बता देना, और फिर मुझे इस वीडियो को शूट करने में बहुत मज़ा आई। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आज मैं कुछ ऐसे डांस स्टेप्स के बारे में हम टॉक करेंगे जो डांस स्टेप्स हमें अच्छे तो बहुत लगते हैं बट हम कर नहीं पाते। तो जब हम कर नहीं पाते तो हमें ऐसा लगता है कि यार उसकी बॉडी बड़ी स्ट्रेचबल है, वो तो कर ले रही है लेकिन हम नहीं कर पा रहे। तो आज मैं ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो हम करेंगे, है ना। बट जैसे कुछ हमें स्टेप्स नहीं हो पाते, वो हमें टफ लगते हैं, बट वो भी हम आज इस वीडियो में करेंगे। और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप उस स्टेप को या उस ट्रिक को फॉलो करके वो स्टेप कर लेंगे। तो कुछ डांस फॉर्म्स को, तो आज मैं एक डांस फॉर्म के बारे में बात करने जा रही हूँ, अपना यूपी का सबसे अच्छा डांस कथक। तो कथक डांस को करना, कथक और भरतनाट्यम, कथक भरतनाट्यम आप दोनों ही ले सकते हो। और कथक में भी कुछ वैसे ही स्टेप्स होते हैं जैसे कि भरतनाट्यम में होते हैं, बस ड्रेसेस दोनों की अलग होती हैं। तो इसी तरह से मैं आपको आज कुछ डांस स्टेप्स करके दिखा दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो गाइस चलिए अच्छे से ये अपने नए नए स्टेप्स को अच्छे से करते हैं। तो पहला स्टेप मेरा है स्टेप नंबर वन। तो स्टेप नंबर वन में कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है इस स्टेप से। जैसे कि ये लेग्स कैसे क्रिस क्रॉस में रहते हैं, बॉडी ऐसे बेंड रहती है, और ये ऐसे, ये हैंड्स वाला, सेकंड ये लेग्स वाला, थर्ड ये बॉडी स्टेप का ये मोमेंट। ये मोमेंट हम नहीं कर पाते, हमें लगता है ये बहुत टफ है, ओ माई गॉड इसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हम इसे कर लेंगे। आप अगर ये मेरे एक ही एक्सरसाइज अगर आप फॉलो कर लें, इस एक्सरसाइज को मैं फॉलो करती हूँ गाइस, मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो मैं ये एक्सरसाइज डेली करती हूँ। लेकिन आप अगर इस एक्सरसाइज को 1 वीक या 2 वीक्स करेंगे ना, 2 वीक्स 14 डेज, या आप 14 डेज या 15 डेज आप इसे करेंगे तो पक्का आप इसको कर लेंगे गाइस, इसे आप पक्का कर लेंगे। और ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस बताती हूँ। तो गाइस कुछ ऐसा एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज हम नहीं कर पाते हैं, ये होता है ना हमारा डांस का, ये वाला लेग जो हमारा होता है इसे हम ऐसे रखते हैं, फिर हमारे जो हाथ हैं ये भी ऐसे रहते हैं, यही हमसे हो नहीं पाता है। तो हम सोचते हैं बहुत टफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे लेग्स होते हैं इनकी एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। आप अगर सुबह सुबह जाके, सुबह आप अपने घर के अंदर नहीं, अपनी छत पे, अपनी बालकनी में, या फिर अपने घर के बाहर, मतलब कि रोड पे नहीं, अगर आपके घर के बाहर लॉन है तो आप लॉन में करें, अगर आपके घर के बाहर लॉन नहीं है तो आप अपनी छत पे करें, छत भी नहीं तो बालकनी में करें, कहीं भी करें लेकिन खुली हवा में करें, ताज़ी हवा में। तो ये एक्सरसाइज करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से कोई एक्सरसाइज आप करें। इन एक्सरसाइज को करने से क्या होता है गाइस, अगर आप इन्हें सुबह सुबह उठें, अगर आप मान लीजिए 9-10 बजे भी उठते हैं ना, तो आप अपनी बालकनियाँ कहीं चले जाएं, वहाँ पे आप कर लें। बस हाँ याद रहे, ज़्यादा धूप ना हो, धूप में एक्सरसाइज ना करें, धूप हो तो एक्सरसाइज ना करें, आप अपने घर के अंदर कर लें या जहाँ पे छाँव हो वहाँ पे करें। धूप में एक्सरसाइज करने से ये एक्सरसाइज फ़ायदा नहीं करती बल्कि नुकसान कर जाती है, तो इसलिए धूप में ना करें। तो इसलिए पहले हम इस लेग की एक्सरसाइज में करेंगे। मैं घर के अंदर आपको बता देती हूँ, आप घर के बाहर भी करिएगा। जैसे कि 1, 2, तो पहले दिन आप बहुत स्लो स्लो करिएगा 1, 2, 3, 4, और जैसे अगले जैसे बढ़ जाएगा सिर्फ स्पीड बढ़ जाएगी, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस टाइप से आप करने लगेंगे। तो आप कीजिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ ये वाली तो होगा। आप फिर आप एक दिन आपके पैर ऐसे आ ही जाएंगे, बेंडिंग के लिए आपकी बैंड नहीं हो पाती, आप डांस करते जल्दी जल्दी बैंड नहीं हो पाते और वो आपका स्टेप रह जाता है। तो उसे भी करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, बेंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप सुबह सुबह उठें और जो मैंने कहा था उसके बाद एक और एक्सरसाइज करें, जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे अपना लेग टच करें,
लेग टच करने की कोशिश करें तो आपकी इधर की कमर होगी, फिर आप इधर साइड से लेग टच करने की कोशिश करें तो लेग टच कर प्रेस नहीं कर पाते तो बस 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से करें। अगर इस टाइप से कर लीजिए फिर एक दिन करके 15 डेज कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ 15 दिन आपका ये जरूर हो जाएगा। और हैंड मूवमेंट का क्या है, आप यमी वाला करते हो, यमी वाला करना आता है तो ये चॉइस भी आ जाती होगी। ये ऐसे किया थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे ये हो, फिर यमी वाला करते हो ना, बस ये जो फिंगर आपकी है ना पास, फिर जो आपकी फिंगर है ये आई, फिर ये वाली यहाँ आई, फिर यहाँ आई, और फिर ये लास्ट वाली उठ गई यहाँ आ गई। ये देखिए। और हैंड को स्ट्रेच करने के लिए, हैंड की कोई एक्सरसाइज नहीं है गाइस, आपको अगर हैंड स्ट्रेच करने हैं तो ऐसे ऐसे करो, आराम से हो जाएगा। तो चलो अपना नेक्स्ट स्टेप भी सीखते हैं भाई, इतने देर से एक ही स्टेप पे जुटे हुए हैं, तो ये स्टेप आप 15 डेज में पक्का कर लोगे, तो इस स्टेप को करना। आप अगर ज़्यादा दिल लगाओगे ना, ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे ना, तो आप एक दिन में भी इसे कर लोगे, ये कोई स्टेप ज़्यादा टफ नहीं है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप सीखते हैं, बहुत टाइम हो गया यार। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो थोड़ा अच्छा है, और उसको देखने में और सब करने में मुझे तो बहुत मज़ा आई, तो आप भी जल्दी जल्दी से देखो। तो गाइज मैंने बताया ना मुझे इस स्टेप करने को बहुत मज़ा आई, तो चलो देख लेते हैं कौन सा स्टेप है जिसे करने में मुझे तो बहुत मज़ा आया, तो चलो देखते हैं। जैसे कि ये है, इसे हम ऐसे रखेंगे, कुछ कथक डांस में होता है लेकिन ये स्टेप मैं नहीं बताऊँगी, ये बहुत ज़्यादा आप कर लोगे, ये स्टेप तो कॉमन है आप लोग कर लोगे, तो इसलिए मैं ये नहीं बता रही, मैं कौन से बताती हूँ आपको। कथक डांस फॉर्म में एक ये स्टेप आ रहा है, ये करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो भरतनाट्यम मुझे आती है, भरतनाट्यम मैंने की भी है। जैसे कि हमारे बारे में कि स्टेट में महादेवा या देवा जो हमारे यहाँ होते हैं, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे डांस फॉर्म्स करने होते हैं, तो मैंने किए हैं, तो ये स्टेप तो हमें देखना है, तो चलो देख ही लेते हैं यार। वीडियो को स्किप नहीं करना, ओके। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स आते हैं, जैसे कि रघुकुल रीति में हमारे डांस है, वो डांस थोड़ा सा टफ है बट हम करते हैं, तो उसी डांस के कुछ अच्छे अच्छे स्टेप्स हैं जो आपको बताने जा रही हूँ। तो चलो जैसे कि स्टेप एक ये आता है हमारा, ही थोड़ा सा टफ है, मतलब ऐसे होता है, हमारे लेग स्ट्रेचिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही है गाइस। अगर हम लेग स्ट्रेचिंग करते हैं ना तो ये कुछ नहीं है, लेग स्ट्रेचिंग नहीं होती है तो ये बहुत कुछ है। इसके लिए आप सुबह उठें, इस लेग को स्ट्रेच करें ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से आप करें। अगर मैं पूरे करके जाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे ही वीडियो 8 मिनट की हो गई है, तो इसलिए पहले मैं आपको बताती हूँ ये स्टेप करें। ये हमें मैंने आपको पिछले बार बताया, आप कोई भी डांस फॉर्म सीखोगे ना तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। ये हमारा ये जो हमारा हैंड है, इस ये स्टेप तो आपको करना ही पड़ता है किसी भी कथक भरतनाट्यम जो भी आप सीखो, इस तरह से आता है ये स्टेप आपका, ये आपको करना ही पड़ता है गाइस। तो लेग स्ट्रेचिंग तो मैंने आपको आपने सीखी ली, तो ये आपका बॉडी जो मूवमेंट करती है ना आपकी, ऐसे है तो ऐसे ही रहती है बॉडी, ऐसे आपकी मूवमेंट हो जाती है आपकी बॉडी की ये, और फिर ये ऐसे, थोड़ा सा टफ है लेकिन कर लेना गाइस। बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए आपको मैंने जैसे बताया था ना पहले वाली 1, 2 वाली वही वाली करना। नेक्स्ट चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा स्टेप गाइस। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना वो थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा टफ है, टफ क्या, अगर आप कर लेते हो ना तो आपके लिए कुछ भी नहीं है ना, आप कर लोगे। ये लास्ट स्टेप है, थर्ड एंड लास्ट स्टेप है जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ, तो चलो देख लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए।
गाइस ये लास्ट स्टेप है, तो मैं आपको बताऊँ एक सीक्रेट। सारे स्टेप को करने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने भी की। तो मैं आपको सारी एक्सरसाइज बताई हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप कर लोगे ना तो डांस स्टेप्स कुछ भी नहीं है आपके लिए। और क्या ये सब तो चलता रहेगा। तो सारे डांस हमको करने के लिए एक एक्सरसाइज या दो एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डांस करना है तो आपको एक्सरसाइजेस तो करनी ही करनी है। और ये डांस स्टेप जो है ना, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इजी है हमारे लिए और बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते ही हैं फिर क्या है। और जो गाइस ये स्टेप है ना, ये थोड़ा सा नेक मूवमेंट पे है, तो देखना ज़रूर, स्किप मत करना। आओ देखते हैं फिर। ये जो स्टेप है ना हमारा, ये लेग मूवमेंट पे है सर। तो आप सोच रहे हो कि कैमरा मूव कर रहा है, अगर कैमरा मूव कर रहा है तो पूरी बॉडी मूव कर रही ना। कैमरा नहीं भाई, मेरी नेक मूव कर रही थी। और ये स्टेप ऐसे भी होता है कुछ, अपने लेग्स को इस तरह से करके। ये स्टेप करने में ना थोड़ा सा गर्दन लगती है। गर्दन थोड़ा सा आपकी मूव करनी पड़ती है इसमें आपको। तो इसके लिए मैं आपको ये बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज। इससे ना जल्दी जल्दी से कर लेना भाई, बहुत अच्छा स्टेप है, वेरी नाइस स्टेप। आप लोग कर सीख लोगे ना तो आपको कोई भी स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कथक में उससे तो यही और कॉमन रहता है आपका। इसको हम सीख लेते हैं। तो हम क्या करना है हमें, तो ये हमारा वीडियो जो हमारा जो हमारे लेग्स हैं, तो मैंने आपको ये वाली एक्सरसाइज बताई थी, ये वाली नहीं बताई थी, तो इसको मैं बता देती हूँ। तो करने के लिए आप थोड़ा लोग ऐसे करेंगे, फिर वहाँ आपको इस साइड से अपने लेग्स रखने होंगे और 1 2 3 इस तरह से आपको करने होंगे। ऐसे कर लेंगे ना तो ये भी स्टेप बहुत ईजी हो जाएगा। आपके जो ये पाम है ना, इन्हें आप ऐसे रखें, दूसरे को भी इसी साइड से रखें, साइड साइड में ऐसे कर लीजिएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये स्टेप फिर मैंने क्या किया था, ऐसे फिर मैंने बताया, ये मैंने आपको हर में बताया था, जितने भी स्टेप हम सीखेंगे सब में ही होगा। तो इसे भी आप जानते हो, ऐसे आपको करना मैंने बताया ही, तो आप बस अपने हैंड को क्रिस क्रॉस कर देना। जो ये आता है आपका नेक वाला, करना थोड़ा सा टफ है, पहले मैं भी नहीं कर पाती थी, मैं ऐसे ऐसे करती थी। ऐसे ऐसे नहीं करना है, हमेशा ऐसे ऐसे करना है। ऐसे ऐसे मैं भी नहीं कर पाती थी पहले। इसके लिए आपको क्या करना होगा, शोल्डर भी हल्का हल्का सा, पहले जब आप सीखोगे ना तो शोल्डर भी हल्का हल्का सा आप मूव करके देखो। अगर शोल्डर से नहीं हो पाता है तो इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। बट ये स्टेप थोड़ा सा टफ है। हाँ मेरे पास है ना हल्का सा टफ है, हल्का सा टफ है ही भाई, नेक की एक्सरसाइज भी होती है। बट इससे आप जब मैंने बताया ना सुबह सुबह वाली एक्सरसाइजेस, उन सब में एक एक्सरसाइज और जोड़ लो भाई, बहुत टफ वाली, लास्ट में करना या स्टार्टिंग में करना, जैसे भी करना, या मिड में करना, जैसे भी करना। वैसे मैं सीट बताती हूँ बिल्कुल चीज हो गया। आपको अपने लेग्स को आराम से रखना है, बहुत अच्छे से बैठना है, फिर अपनी नेक को इधर छोड़ ले जाना है, फिर इधर डालना है, इधर ले जाना है, फिर इधर डालना है, फिर इधर डालना है, फिर इधर डालना है। ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा अच्छा फील करोगे। ऐसे 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 फिर आप एक दिन ऐसे करना, फिर 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 ऐसे करना। नेक्स्ट दिन आप सामने देखना, कॉन्सेंट्रेट करना है, वीडियो बनाना, एक वीडियो बनाना, उसे डालना कहीं नहीं, अपने फोन में बनाना और उसको फिर एक बार ऐसे उसी इस स्क्रीन में देखते हुए, कैमरे की तरफ देखते हुए एकदम ऐसे 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 फिर करना। फिर नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट दिन आप कर लोगे गाइस। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ थी और ये स्टेप भी थोड़ा सा टफ था, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन मज़ा तो बहुत आया गाइस। तो चलो आओ। तो गाइस उसके आज मैं जो ना डांस स्टेप्स करने में बहुत मज़ा आई गाइस, और डांस स्टेप करने में मज़ा तो बहुत आई, बट आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इन स्टेप्स को करने के लिए। थोड़ी सी मेहनत तो चलती है यार, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तो आप
100% कथक के सुपरस्टार हो जाओगे भाई। बहुत अच्छी मतलब स्टेप्स हैं ये सब, बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है तो थोड़ा थोड़ा स्किप स्किप करके देख लेना, बट ज़्यादा स्किप मत करना, नहीं तो अच्छे अच्छे टिप्स भूल जाओगे। इसलिए अच्छे अच्छे से टिप्स भूलना ना हो तो वीडियो को स्किप मत करना। और गाइस कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, तो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मतलब कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल अगाथा वेसवार को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।